मथुरा में नागरिकता कानून और अन्य समस्याओं के विरोध में बृहस्पतिवार को सड़क पर उतरे समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एसएसपी आवास के पास प्रदर्शन करके केंद्र और प्रदेश सरकार को कोसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए मुख्यमंत्री का पुतला भी फूंका। तीखी नोक झोंक के बाद 31 सपाइयों को घसीटते हुए पुलिस ले गई। इन सभी सपाइयों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। सपा ने बृहस्पतिवार को धरना प्रदर्शन का ऐलान किया था। सुबह से सपाई एसएसपी आवास के पास एकत्रित होने लगे। एकत्रित हुए सपाई धरना प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। संशोधन रद्द करो, महंगाई पर रोक लगे, फर्जी एनकाउंटर बंद करो की तख्तियां हाथ में लिए सपाइयों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला फूंका। विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस और सपाइयों में तीखी नोक झोंक हुई। सीओ सिटी राकेश कुमार ने सपाइयों को काफी रोका, फिर इन सपाइयों को घसीटते हुए वज्र वाहन में ले गए। सीओ सिटी राकेश कुमार ने बताया कि 31 सपाइयों को शांति भंग में जेल भेजा गया है। नागरिकता कानून के विरोध को देखते हुए शहर को 8 जोन और 34 सेक्टरों में बांटा गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस और पीएसी के जवानों को तैनात किया गया है। इन सेक्टरों और जोन में 20 क्यूआरटी अलग से मुस्तैद की गई है। वहीं माहौल को देखते हुए 5 क्यूआरटी पुलिस लाइन में रिजर्व में रखी गई है। पीएम न्यूज की रिपोर्ट।